के लिए। पहले ये कि मैं 9th और 10th में पर होने वाले वायलेंस की मजम्मत करती हूँ। मैंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इसके हवाले से अंडरटेकिंग भी दी है और क्या कहते जमा भी करवा दी है, और ना सिर्फ 9 और 10 मई और खसूसन उसकी तो बात कर रही हूँ, लेकिन हर किस्म का वायलेंस हमेशा से कंडेम किया है। खास तौर पे जो स्टेट रियासती सिंबल्स होते हैं, जैसे GHQ है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, जैसे पार्लियामान है, ऐसे स्टेट सिंबल्स पे वायलेंस करना बहुत ज्यादा मजम्मत इस पे करनी चाहिए सबको, और मैं करती हूँ। दूसरी बात जो मैंने कहनी है कि 12 दिन अरेस्ट रिहाई के अबडक्शन रिहाई के प्रोसेस के थ्रू मेरी सेहत के हवाले से, और जो आजमाइश मेरी बच्ची ने ईमान ने खास तौर पे मेरी वजह से इस पे गुजरना पड़ा, इस वजह से सेहत और ये आजमाइश जो मेरी बच्ची को हुई, और मैंने जेल में अडियाला में इसकी वीडियो भी देखी जिधर वो इतना रो रही थी जब मुझे तीसरी दफा लेके गए हैं इधर से पंजाब पुलिस वाले। मैंने ये फैसला किया है कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ रही हूँ, और ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि आज से मैं PTI या किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं होंगी, क्योंकि मैंने सबसे पहले अपनी फैमिली बिलखसूस अपनी माँ और अपने बच्चों का, क्योंकि आपको भी पता होगा कि मेरे हस्बैंड की 5 महीने हुए हैं उनकी डेथ को, तो मेरे बच्चों के आई एम नाउ दी ओनली पेरेंट। जब डॉक्टर ताबिश लाइफ थे तो बहुत सी चीजें इंसान कर सकता था क्योंकि उनका साया भी था बच्चों के ऊपर, अब वो नहीं है। तो बच्चों की वजह से, अपनी वालदा की वजह से, और जाहिर है अपनी सेहत की वजह से जो कि बहुत ज्यादा खराब हो गई थी इन 12 दिनों में, मैं क्या कहते तवज्जो इन चीजों पे अब ज्यादा दूंगी। मेरे बच्चे और मेरी वालदा मेरी प्रायोरिटी है, और जाहिर है उसकी वजह से मेरी सेहत भी मेरी प्रायोरिटी है, और उसके अलावा इस वक्त मेरी कोई चीज और इम्पोर्टेंट नहीं है। और बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रहनुमा तहरीके इंसाफ शीरी मजारी न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उनका कहना था कि हर किस्म के तशद्दुद की हमेशा मजम्मत की है, रियासती अलामतों को निशाना बनाने की सबको मजम्मत करनी चाहिए। 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात की मजम्मत करती हूँ। शीरी मजारी ने सियासत छोड़ने का ऐलान किया है। रहनुमा तहरीक इंसाफ शीरी मजारी न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उनका कहना था कि हर किस्म के तशद्दुद की हमेशा मजम्मत की है, शीरी मजारी ने सियासत छोड़ने का ऐलान किया है। 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात की शीरी मजारी ने मजम्मत की है। उनका कहना है कि रियासती अलामतों को निशाना बनाने की सबको मजम्मत करनी चाहिए। दहशतगर्दी के वाकयात की भी उन्होंने मजम्मत की है। उनका कहना है कि हर किस्म के तशद्दुद कोई हमेशा जो है वो मजम्मत की है। 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात की मजम्मत करती हूँ, रियासती अलामतों को निशाना